हे गाइस, तो कल हो रही है फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज्ड, जो कि कॉमेडी फिल्म है जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि यार काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसी कॉमेडी फिल्म आ रही है जिससे कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, दिवाली है तो यार इसको भारी ओपनिंग मिलने वाली है, मतलब पूरा वीकेंड इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, ऐसा तभी होगा अगर उसकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया होगी। मतलब स्टोरी तो यार इतना मैटर नहीं करती कॉमेडी फिल्म में, मेन ये मैटर करता है कि ऑडियंस जो फिल्म में जोक्स होते हैं उन पर कितना हंसती है। तो गाइस, इसके ऑलरेडी मतलब रिव्यूज आ चुके हैं, आपको पता होगा कि स्पेशल स्क्रीनिंग होती है हर फिल्म की, तो यहाँ पर हाउसफुल 4 की भी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है और बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी है, तो उनमें से कुछ लोगों ने रिव्यूज भी दिए इस फिल्म के। तो गाइस, मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर इस फिल्म में जिन लोगों ने भी रिव्यूज दिए हैं उनमें उन्होंने ये बात साफ करी है कि इस फिल्म में नॉन स्टॉप लाफ है, मतलब जोक्स पे जोक्स, मतलब ऑडियंस पूरी फिल्म में हंसती रह जाएगी। और ये चीज ना, मतलब एक रिव्यू में नहीं, जितने भी रिव्यूज आए हैं उन सब में ये बात कही गई है। उसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा गया है कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म को भी डोमिनेट किया है, मतलब जैसे कि वो हर मूवी करते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर अक्षय कुमार का जो बाला का रोल है वो सबसे ज्यादा आपको हंसाने वाला है, गुदगुदाने वाला है, मतलब आपको एंटरटेन करने वाला है, और इसीलिए अक्षय कुमार को पैसा वसूल हीरो माना जाता है बॉलीवुड में। और गाइस, अब तक जो भी रिव्यूज आए हैं उनमें यही चीजें कही गई है, हालांकि बाकी एक्ट्रेस की एक्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, और मेन चीज यही बताई गई है कि मूवी में बहुत ज्यादा ऑडियंस हंसने वाली है, और उसके अलावा यहाँ पर अक्षय कुमार का रोल काफी अच्छा है। उसके अलावा दोस्तों, यार ट्रेलर देख के ही पता चल जाता है कि अगर आप लॉजिकल वे में ये फिल्म देखने जाओगे तो डेफिनेटली आपको पसंद नहीं आएगी, मतलब आप इतने सीरियस तरीके से देखोगे। लेकिन हाँ, अगर आप दिमाग घर पर छोड़ के जाओगे और सिर्फ हंसने के मकसद से जाओगे तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, और यार ये चीज तो ट्रेलर देख कर ही पता चल गई थी। तो आई होप गाइस, अगर आप टिकट बुक कर रहे थे हाउसफुल 4 की, मैंने तो कर लिया, तो गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि इस फिल्म से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यार, मैं कल मूवी देख के आऊँगा तो आपको पूरा बता दूंगा कि मेरे को ये फिल्म कैसी लगी। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस, आप हाउसफुल 4 मूवी देखने जा रहे हो या नहीं देखने जा रहे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 999 लाइक्स, तो देखते हैं दोस्तों हो पाते हैं या नहीं। और अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह की वीडियोस के लिए, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।